સુરતના ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ પ્રદીપભાઈ કાબરાએ તેમના બાળકોના જન્મદિવસની ઉજવણી દિવ્યાંગ બાળકો સાથે કરી હતી. मेरा नाम प्रदीप कुमार काबरा है, फादर का नाम सत्यनारायण काबरा है. पैसे से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और यहाँ पे आज मेरे बच्चे का जो जन्मदिन है, मेरे ट्विन्स हैं, बेटा और बेटी दोनों का जन्मदिन है, उसको मनाने के लिए हम कन्नू भाई टेलर से मिले और इतने प्रभावित हुए कि हमने कहा, कन्नू भाई आप इतने बच्चों को परवरिश कर रहे हो, हमारे तो केवल दो बच्चे हैं जिनका हम बर्थडे मना रहे हैं, तो क्यों नहीं कि ये बर्थडे हम सब बच्चों के साथ मिल के मनाएँ, आपके बच्चों के साथ. तो कन्नू भाई ने परमिशन दी और हमें हमारे मन में ऐसी इच्छा हुई, हमने उनसे पूछा कि दाल बाटी चूरमा, हम राजस्थान से हैं तो क्या आपके बच्चों ने कभी खाया है, तो उन्होंने बताया नहीं खाया है. तो हमने आज ये स्पेशल अरेंजमेंट दाल बाटी चूरमे का रखा है ताकि जो बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं कन्नू भाई के छत्र छाया में, उनको भी इसका लाभ मिल सके. और यहाँ पर कन्नू भाई के बारे में मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि वो पद्मश्री अवार्डेड हैं और उन्होंने जो ये निसहाय जनों का, वो खुद भी एक डिसेबल्ड है और उन्होंने एक डिसेबल्ड ट्रस्ट, वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो स्थापना करी है उसके तहत वो जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, न कोई धन था, न कोई संपत्ति थी. एक टेलर दर्जी के परिवार से वो आते थे और उन्होंने बचपन अपना वो लकड़ी की गाड़ी में गुजरा हुआ है, विकलांग गाड़ी जो आती है. लेकिन उनकी जो सोच थी कि मुझे सेवा करनी है, उस सोच की वजह से आज सूरत और हम सब लोग गौरवान्वित है कि उनके सोच और उनके प्रयासों से, अथक परिश्रम से आज सूरत में एक बच्चा भी, विकलांग बच्चा भी भीख नहीं मांगता है. इसके लिए हम तहे दिल से कन्नू भाई टेलर के आभारी हैं. और यहाँ स्कूल में आके आज हमने जो ये कार्यक्रम किया है, ये कार्यक्रम से मुझे लगता है कि आज जो हमारे गेस्ट, आज 300 से 400 आदमी का खाना है, जो गेस्ट आए हैं वो सब लोग बोल रहे हैं कि इतनी बढ़िया जगह आप हमें लेके आए हैं और हम भी यहाँ से जुड़ना चाहेंगे. हमारे भी इस तरह के जो फंक्शन हैं, बर्थडे, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन या और भी कोई फंक्शन है, वो बोले हम कन्नू भाई टेलर की स्कूल में इन सब बच्चों के साथ मना के और उसको सेलिब्रेट करना चाहेंगे. तो इसके लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, स्कूल का और मैनेजमेंट का. और आप चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों के लिए मेरा संदेशा यही है कि आज हम कोई भी होटल में सेलिब्रेशन के लिए जाते हैं, कोई मॉल में ख़रीदारी के लिए जाते हैं, तो 10-20 हज़ार रुपये का बिल तो नॉमिनल है, रास्ते चलते ही खर्च कर देते हैं. उससे अच्छा अगर हम अपना सेलिब्रेशन ऐसी संस्थाओं के माध्यम से करें तो जो हमारे बच्चे हैं, जो छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं, हमारे परिवार वाले हैं, हमारे मित्र हैं, समाज वाले हैं, वो भी पैसे की वैल्यू समझेंगे और पैसे का कैसे सदुपयोग करना है वो समझेंगे. और ये बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय जो हमारे मोदी जी बोलते हैं और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है,
और हमारे धर्म भी इसी तरफ हमको ले जाता है, तो ये एक चीज़ के माध्यम से हम कितने चीज़ों को साध्य कर सकते हैं। हमारे संस्कार जो हमें बोलते हैं ना कि संस्कार अगली पीढ़ी में जाने चाहिए अपने, तो हमारे अगली पीढ़ी में संस्कार तभी जाएंगे जब हम ऐसे सेवार्थ कार्य में जुड़े रहेंगे। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि आप लोग भी अपने जो भी सेलिब्रेशंस है वो ऐसी संस्थाओं में आके मनाएं और इनका लाभ लेवें।